हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो टॉपिक है वो है कि क्या आप प्रॉपर्टी का जब ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या आप कोई कंडीशन लगा सकते हैं क्या ट्रांसफर के टाइम पे, और अगर लगा सकते हैं तो कितनी कंडीशंस लगा सकते हैं, क्या वो कंडीशंस वैलिड हैं या वॉइड हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11। तो सेक्शन 10 क्या कहता है? सेक्शन 10 कहता है कि अगर आपने एलिनेशन की कोई कंडीशन लगा दी, व्हाट इज एलिनेशन? एलिनेशन मींस कि आप इस प्रॉपर्टी को फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते। और ट्रांसफर में क्या क्या इंक्लूड होता है? सेल करना, एक्सचेंज करना, मॉर्गेज करना, गिफ्ट देना, ये सारी चीजों का अगर आप एलिनेशन कर रहे हैं, आपको जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है उसको आप फर्दर एलिनेट नहीं कर सकते और उसमें आपने कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो क्या वो रेस्ट्रिक्शन वैलिड रहेगा या वॉइड रहेगा, ये डिपेंड करता है कि एलिनेशन किस टाइप का है। क्या वो एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट है या वो पार्शियल रेस्ट्रिक्शन है? अगर एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है और पार्शियल रेस्ट्रिक्शन का क्या मतलब होता है, कि अगर इस तरह का रेस्ट्रिक्शन है कि आप ये प्रॉपर्टी आप किसी और को फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप एलिनेट नहीं कर सकते, तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट। लेकिन आपने पार्शियल कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो मींस पार्शियल मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम दैट कि आपकी एक प्रॉपर्टी है, ये एक आपकी प्रॉपर्टी है, ये एक आपकी लैंड है, ये आपकी एक लैंड है। अब आपने क्या किया, ये लैंड आपकी है, आपने किसी ए को ये लैंड ट्रांसफर कर दी, कोई ए पर्सन है उसको आप ये लैंड क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, और आपने सेल करते वक्त ये कंडीशन लगा दी कि ये लैंड अब आप फ्यूचर में किसी और को नहीं बेच सकते, या आप केवल मुझे ही बेच सकते हो वापस, और मेरे अलावा और किसी को नहीं बेच सकते, या मेरी फैमिली मेंबर को ही वापस सेल कर सकते हो और किसी को नहीं कर सकते। तो इस तरह का जो रेस्ट्रिक्शन होता है उसे कहते हैं एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। दूसरे टाइप का रेस्ट्रिक्शन होता है पार्शियल। पार्शियल में आप इसको जब लैंड सेल कर रहे हो तो ए को बोल रहे हो कि आप इस लैंड को बी एंड सी को नहीं बेच सकते, इसके अलावा आप किसी को भी बेच दीजिए लेकिन बी एंड सी को नहीं। तो ये क्या है, ये पार्शियल रेस्ट्रिक्शन है। तो सेक्शन 10 क्या बोलता है? सेक्शन 10 यही बोलता है कि अगर आपका रेस्ट्रिक्शन एब्सोल्यूट है, अगर आपका रेस्ट्रिक्शन एब्सोल्यूट है तो आपको वो जो कंडीशन है उसको मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो कंडीशन है और वो लिमिटेशन है वो ही वॉइड हो जाएगी। इट मींस ये माना जाएगा कि वो कंडीशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। प्लीज कीप इन माइंड कि ट्रांसफर अभी भी वैलिड है, ट्रांसफर वैलिड है पर कंडीशन वॉइड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इन केस ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन ट्रांसफर वैलिड रहता है लेकिन वो कंडीशन वॉइड हो जाती है। इसका मतलब उस कंडीशन की कोई वैल्यू नहीं है जिसको ट्रांसफर किया गया है, मतलब ट्रांसफरी उस कंडीशन को चाहे तो इग्नोर कर सकता है, उस कंडीशन को मानने से मना कर सकता है, और जो ट्रांसफरर है वो कुछ नहीं कर सकता। कब? लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि जो रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है ना वो एब्सोल्यूट होना चाहिए। अगर कोई पार्शियल रेस्ट्रिक्शन है, इफ रेस्ट्रिक्शन जो रेस्ट्रेंट है इज पार्शियल, द कंडीशन इज नॉट वॉइड, मतलब कंडीशन अभी भी वैलिड रहेगी। अच्छा, लॉ में आप हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, जो काम आप डायरेक्टली नहीं कर सकते उस काम को आप इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। इट मींस आप कंडीशन ऐसी नहीं बना सकते कि वो देखने में तो लग रहा है कि रेस्ट्रिक्शन नहीं है लेकिन एक्चुअली में वो कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करता है। ये डिसाइड हुआ था रोशर वर्सेस रोशर के केस में। इस केस में क्या किया गया कि एक पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की अपने सन को और बोल दिया कि यू कांट सेल दिस प्रॉपर्टी टू एनीवन, किसी और को नहीं बेच सकते, और अगर आप बेचोगे किसी और को, अगर आप बेचोगे तो उसके 1/5
मार्केट वैल्यू पे आप जो उसकी वाइफ है उसके पास ऑप्शन होगा कि वो उसको खरीद सकता है। अब आप देखिए कि मान लीजिए कि मैं एक ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगा रहा हूं, मैं एक मेरी एक लैंड है और मैं इस लैंड को ए को बेच रहा हूं, और मैंने ए को अगर मैं देखिए अगर मैं ये कंडीशन लगता कि ए के तुम ये लैंड अब किसी और को नहीं बेच सकते मेरे अलावा, तो ये क्या होता, ये एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन होता, और एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन होता तो ये वर्ल्ड हो जाता। तो इससे बचने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ए को बोला कि अगर तुम ये प्रॉपर्टी किसी को भी बेचोगे, मैं ये नहीं बोला नहीं बेचना है, मैंने कहा बेचोगे तो मेरे पास ऑप्शन होगा कि जो भी उसकी मार्केट वैल्यू है ना उसके 20% पे मैं खरीदूंगा, मेरे को खरीदने का राइट होगा, उससे उसको बेचने से पहले मेरे पास ऑप्शन होगा कि मैं 20% का पेमेंट करके इस लैंड को खरीद सकूं। तो ये किस तरह का रेस्ट्रिक्शन है, डेफिनेटली ये एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि अगर मेरे पास ऑप्शन है मैं 20% पे उस प्रॉपर्टी को खरीद सकता हूं, तो क्या होगा वो ए ये लैंड कभी भी किसी को नहीं बेच पाएगा, उसका एलिनेशन नहीं कर पाएगा, एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन लग गया। तो ये इनडायरेक्ट, अगर आप इनडायरेक्टली भी कोई रेस्ट्रिक्शन लगाते हो तो वो रेस्ट्रिक्शन भी वैलिड रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और वो कंडीशन क्या हो जाएगी, वर्ल्ड हो जाएगी। मतलब मैंने ये जो 20% वाली कंडीशन लगाई है ये कंडीशन इनवैलिड है, वर्ल्ड है, और क्या होगा ए चाहे तो ये प्रॉपर्टी किसी को भी बेच सकता है, और वो विदाउट मेरे को 20% पे ऑफर किए बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, I will not be having any remedy against A। अच्छा इसके कुछ exceptions है, और अब exception क्या है, लीज का केस में। लीज एक स्पेसिफिक टाइप का एलिनेशन है, लीज में जब आप देते हो तो आपकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, केवल आप उसको एक राइट्स दे रहे हो यूज करने के लिए, इट इज टाइप ऑफ लाइसेंस। तो इस केस में आप उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, डेफिनेटली लीज के केस में तो रेस्ट्रिक्शन लगाया ही जाता है। आप ये बोल देते हो कि मैं आपको लीज पे दे रहा हूं, आप इसको फर्दर सब लीज नहीं कर सकते, ये मैंने आपको लीज पे दिया आप किसी और को मतलब और यूज करने के लिए नहीं दे सकते, तो इस तरह की आप रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। दूसरा रेस्ट्रिक्शन जो दूसरा जो एक्सेप्शन है वो है कि प्रॉपर्टी मे बी ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ ए वुमेन, किसी एक वुमेन के बेनिफिट के लिए अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो और उसमें आप रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो कि ड्यूरिंग हर मैरिज वो किसी और को ट्रांसफर नहीं करेगी, तो ये कंडीशन भी एक वैलिड कंडीशन हो सकती है। बट वो लेडी जो है वो हिंदू मॉन्डन और बुद्धिस्ट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा किसी और वुमेन को उसके बेनिफिट के लिए अगर आप कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो और उसमें आप कोई ऐसी कंडीशन लगा रहे हो जिसमें वो एलिनेशन नहीं कर सकती, तो वो कंडीशन वैलिड कंडीशन रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 10। द नेक्स्ट इज सेक्शन 11। सेक्शन 11 सेज द रेस्ट्रिक्शन रिपग्नेंट टू द इंटरेस्ट क्रिएटेड, मतलब आपने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, एब्सोल्युटली ट्रांसफर कर दी किसी दूसरे पर्सन को, पर आपने एक कंडीशन लगा दी कि आप भैया इसको जो एंजॉय करोगे ना इसी पर्टिकुलर मैनर में ही करोगे। फॉर एग्जाम्पल लेट से कि मैंने अपनी लैंड किसी को दी, उसको सेल की, और मैंने बोला इस लैंड के ऊपर तुम केवल ना वीट ही लगाओगे, एग्रीकल्चर ही कर सकते हो, तुम इस पे इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, तुम इस पे मकान नहीं बना सकते, तुम इसको कमर्शियल यूज नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया, मैंने एक रेस्ट्रिक्शन क्रिएट कर दिया कि आप केवल प्रॉपर्टी इस पर्टिकुलर फॉर्म में ही एंजॉय कर सकते हो, तो ये कंडीशन भी वॉइड कंडीशन है। इस कंडीशन के हिसाब से जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है कि आप कोई प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो या सेल कर रहे हो, तो आपने क्या किया, आपने एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया दूसरे पर्सन के लिए, लेकिन आपने ये बोल दिया कि ओनली वीटी पैदा होगा, तो ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन वॉइड है। सिमिलरली मान लीजिए आपने गिफ्ट कर रहे हो और उसको ये बोल दो कि तुमको इस घर पे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं रहेगा, अगर कोई और रहेगा इस घर में तो प्रॉपर्टी मेरे को वापिस आ जाएगी, तो ये कंडीशन भी वॉइड कंडीशन है। तो इस सेक्शन 11 के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। क्या कंडीशन होना चाहिए, पहले तो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए, मींस
टोटल ऑनरशिप का ट्रांसफर होना चाहिए, पार्शियल इंटरेस्ट का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। जैसे लीज के केस पे क्या होता है, जब आप किसी को लीज पे देते हो तो पार्शियल ट्रांसफर होता है, तो उसके लिए ये पार्शियल इंटरेस्ट क्रिएट होता है, तो उसके लिए आपका ये नहीं लगेगा। सिमिलरली मान लीजिए आप किसी के लिए लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो कि जब तक वो जिंदा है तब तक ही प्रॉपर्टी उसके लिए है, तो उसका भी उस पर भी ये नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि पहली कंडीशन ये है कि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफर होना चाहिए, और दूसरा कि आप कोई एक ऐसी कंडीशन लगा रहे हो कि प्रॉपर्टी शुड बी अप्लाइड और एंजॉयड इन ए मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय द ट्रांसफरर। आप एक बोल रहे हो उसको कि ये प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर वे में ही आप यूज कर सकते हो, तो इस दोनों तरह की, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, एब्सोल्यूट ट्रांसफर है और एब्सोल्यूट ट्रांसफर करने के बावजूद भी आप कंडीशन लगा रहे हो। आप सोचिए कि आप अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो और सेल करने के बाद आप जिसको सेल कर रहे हो उसको बोल रहे हो कि भैया ये कंडीशन है ना, इस प्रॉपर्टी को इस पर्टिकुलर फॉर्म में ही यूज करना, तो वो बोलेगा भाई क्यों, तुमने अपना ट्रांसफर कर दिया, तुम्हारा क्या लेना देना, अब मैं इसको जिस तरीके से यूज करना चाहूं करूं। तो सेक्शन 11 यही कहता है, आपने ट्रांसफर कर दिया तो भूल जाइए, अब आप ओनर नहीं हो, अब ओनर कोई दूसरा आदमी है, अब वो उसको जैसे एंजॉय करना है वो अपनी प्रॉपर्टी को वैसे ही एंजॉय करेगा। तो एब्सोल्यूट ट्रांसफर अगर हो रहा है, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, तो आपका कोई भी रेस्ट्रिक्शन उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। इस सेक्शन के भी एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन ये है, ये दिस एक्सेप्शन वाज आल्सो डिसाइडेड इन के इन दिस ट्वेल्थ वर्क इस मॉक्सी केस में ये डिसाइड हुआ था कि आप कोई ऐसी कंडीशन अगर लगा रहे हो जो कंडीशंस आपकी एडजॉइनिंग लैंड से रिलेटेड है, जिससे आपकी लैंड पे कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है, तो वो कंडीशंस आप लगा सकते हो। मान लीजिए कि आपकी एक लैंड है, अब आपने क्या किया, इस लैंड का ये वाला पोर्शन आपने सेल कर दिया, सेल करते समय आपने एक कंडीशन लगा दी, और वो कंडीशन लगाई कि आप इस तरफ कोई भी वॉल नहीं क्रिएट करोगे, कोई विंडो नहीं बनाओगे, कोई डोर नहीं बनाओगे इस साइड। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन आपने लगाया, ये रेस्ट्रिक्शन वैलिड रेस्ट्रिक्शन है। क्यों? क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन आपके एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी के बेनिफिशियल एंजॉयमेंट के लिए है, और ये कोर्ट और लॉ इस एक्सेप्शन को अलाउ करता है। तो ये एक्सेप्शन वैलिड एक्सेप्शन है। इसके अलावा अगर आप कुछ और रेस्ट्रिक्शन लगाते हो जिससे कि आप सामने वाले को एंजॉय नहीं करने दे रहे उसकी प्रॉपर्टी को एब्सोल्युटली, तो वो कंडीशंस क्या हो जाएंगी, वॉइड हो जाएंगी। सो तो ये था हमारा सेक्शन 10 एंड 11, जिसमें 10 में किसकी बात हो रही थी, 10 में बात हो रही थी कि आप फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते, एलिनेशन नहीं कर सकते, अगर वो रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं तो वो भी वॉइड है, और आप ये रेस्ट्रिक्शन लगाया है कि इस प्रॉपर्टी को कैसे एंजॉय करोगे, तो ये भी वॉइड है। मतलब एक बार आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी तो आप भूल जाइए, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, अब वो सामने वाला उसको जो करना चाहे, जिस तरीके से यूज करना चाहे, जैसे एलिनेट करना चाहे, कर सकता है। तो यही सेक्शन 10 और 11 कहते हैं। तो हमारे अगले वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे उसमें होगा कि आप क्या कहते हैं, अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो